तशकीक के शिकार हो गया, शक को शुबा के अंदर मुबतला हो गया, और जो यकीन है उसके अंदर तजद्दुद पैदा हो गया, तो ये भी उन बात की ताकतों की एक कामयाबी है। इसलिए शोबे मुनाजरा के साथियों ने इस मौजू का इंतखाब किया है, ये एक अहम मौजू है, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे अजीज तलबा इस पूरे मुनाजरे को बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े अहतमाम के साथ सुने, और सिर्फ इस नुक्ते नजर से नहीं कि दो ग्रुप के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, बल्कि इसमें जो मुल्हिदीन की नुमाइंदों की तरफ से जो बातें पेश की जाए उनको इस नुक्ते नजर से देखें कि आज दुनिया किस कैसे अंदाज फिक्र हो रहा है, किस अंदाज पर दुनिया सोच रही है, और मुल्हिदीन की तरफ से खुदा के वजूद के मुतयान की तरफ से अहले इस्लाम की तरफ से जो बातें पेश की जाए ये अहले इस्लाम की नुमाइंदगी है, और ये उनके गुंदगियों का जवाब है। एक पूरी बात तो मैंने दावत देने वालों से भी कही थी और आज मसले के बाद की मजलिस में मैंने ये बात की थी, वो मैं तमाम तलबा से और खास तौर पर शोबे मुनाजरा में के जिम्मेदारों से और मुनाजरे में हिस्सा लेने वालों से कहना चाहता हूँ कि मुनाजरे में दो फरीक होते हैं, एक अहले हक होते हैं और एक तरफ अहले बातिल। अहले हक तो अपनी जुबान में खुद मुतकल्लिम बनकर अपनी बात कहेंगे क्योंकि वो उनका अकीदा है, वो उनका नजरिया है, वो उनका दावा है, लेकिन अहले बातिल जब यानी अहले बातिल की नुमाइंदगी करने वाले जो लोग खड़े हों वो गुफ्तगू इस अंदाज से हरगिज़ न करें ये हमारा नजरिया है या हम ये कहते हैं, बल्कि उनको हर मरतबा इसका इरादा करना चाहिए कि तहरीके यूँ कहते हैं, मुल्हिदीन यूँ कहते हैं, या ये कि अगर इस तरह की इश्कार किया जाए तो आपकी तरफ से क्या जवाब होगा। इसलिए कि किसी कुफ्रिया कलमे को जुबान से अदा करना ये ईमान के लिए खतरा है, चाहे नकली के तौर पर क्यों न कहा जाए, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जोश में आकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी जुबान से कोई ऐसा कलमा निकल जाए जो खुद हमारे लिए तबाह हो। वक्त बहुत हो चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं दरमियान हट जाऊँ और ये सबसे पहले मौजू की वजाहत होगी, फरीकैन के नाम का ऐलान होगा और उसके बाद गुफ्तगू शुरू होगी, और शुरका से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि पूरी गुफ्तगू को बड़े गौर फिक्र के साथ सुने और अपने दिल में महसूस करके ले जाए। अल्लाह ताला आज इस मजलिस को हम सब के लिए और खास तौर पर तलबा के लिए मुर्शिद बराबर बनाए। वाकुल्लाह वाहिद।